अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर खैरियत से रखे और हमारे मकसदों में हमें कामयाबी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जैसा कि थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि मेरी वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगी। और इस वीडियो में जो है ना, थोड़ा सा मैंने आपको मौसमियात की सैर करवाई है। ये न्यू रिडार है मौसमियात का, जिसको मैंने फोकस किया है इस वक्त तस्वीरों में, ताकि आप लोग अच्छी तरह इसको देख लें। बाकी का तो आप लोग वीडियोस में देख ही लेंगे। अंदर का व्यू भी कभी मैं आपको शो करवाऊंगी। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ये भी बता दीजिएगा कि आप लोगों ने इसको अंदर से देखना है बिल्डिंग को, और किस किस ने ये देखा हुआ है वो भी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया हुआ, और जिन्होंने किया हुआ है सब्सक्राइब मुझे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, ताकि जो है काम आ सके हमारे, इस वक्त हमें ज़रूरत है वॉच टाइम कम्प्लीट करने की। तो आप लोग की सपोर्ट के बगैर तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये वाला जो रिडार है बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है, दूसरे भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो इतने अच्छे नहीं थे जो पुराने थे, ये अभी न्यू बना है और ये जापानियों ने बनाया है, वो लोग आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पे काम किया है बाकायदा बहुत तरीके से। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये देखें, थोड़ा सा दूर से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ ना इसका, और ये मंज़र देखें सूरज का, ये सबसे ज़्यादा मैंने जो इसको वीडियो बनाई ना, जब हालांकि मैं बना उस बिल्डिंग की रही थी, लेकिन जब मैंने सूरज का देखा मोबाइल पर व्यू, बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे। तो ये डूबते सूरज का टाइम है, मतलब मगरिब से कुछ देर पहले का टाइम है, बहुत प्यारा मंज़र लगता है ये वाला मंज़र भी ना, अल्लाह ताला की कुदरत है देखें। अच्छा ये देखें, अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आते जाएंगे। सूरज की रोशनी में आपको क्लियर शो नहीं हो रही होगी बिल्डिंग, लेकिन मैं आपको दूसरी साइड से इसका व्यू दिखाऊंगी, तो आप लोगों को कुछ बहुत अच्छा लगेगा देखकर। ऐसा लग रहा है जैसे हम चल रहे हैं, हमारे साथ साथ सूरज चल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अब ये देखें, जितना मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को बिल्डिंग क्लियर करके दिखाऊं, उतना ऐसा हो नहीं पा रहा। अब ये देखें, यहाँ पर ना दूसरी साइड पे गाड़ी कर ली थी, तो ये वाला जो है ना, ये पुराना है, ये सबसे पहला रिडार है यहाँ का ना, ये वाला, और ये जो है ये सेकेंड है। इसके बाद थर्ड ये बना था जो मैंने आपको शुरू में वीडियो उसमें पिक्चर में दिखाया, ये सेकेंड वाला है ना। अब ये देखें, यहाँ पे ये पूरी हरियाली, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पंजाब साइड में नहीं आ जाते पौधे, हरियाली, पंजाब का सफ़र कर रहे होते, बिल्कुल इस टाइप का लगता है। बड़ा अच्छा लग रहा था शाम के टाइम यहाँ से गुजरना, हरियाली हरियाली नज़रों को बहुत भा रही थी। यहाँ पे ऑफिस है इनका, यहाँ से बस स्टार्ट हो जाता है। ये देखें पौधे, खूबसूरती, काफ़ी यहाँ पे काम अभी तक चल ही रहा है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं यहाँ पे पौधों के साथ, सफाई और ये वो। ये देखें ये जो जगह है, ये वर्कशॉप है इनकी मौसमियात वालों की। तो आगे इनका मेन ऑफिस है, रास्ते बनाए हुए हैं बीच में से जाने के, चाहे इधर से चले जाएं उधर से चले जाएं, जहाँ से भी। मस्जिद है, ये मस्जिद है सूरज की रोशनी में, वो भी मध्यम नज़र आ रही है। और ये देखें, ये मेन बिल्डिंग है मौसमियात की मेन, यहाँ पे मुफ्ती मुनीबुर रहमान चांद देखने आते हैं हर मंथ, ईद का चांद भी यहीं देखा जाता है। ये मेन ऑफिस है और यहाँ ऊपर आते हैं। अब ये हम थोड़ा सा आ गए थे जहाँ हमें जाना था सामान वगैरह लेने, घर का कुछ सामान ख़त्म हुआ था, बच्चों के कपड़े नज़र आए, तो ये देख रही थी। लिया नहीं, समझ में आ रही थी लेकिन साइज़ नहीं थे, तो साइज़ की वजह से फिर हमने छोड़ दिया। छोटे बेटे के लिए लेनी थी पैंट शर्ट, लेने तो कुछ और आए थे, घर का ही सौदा वगैरह, आटा ख़त्म हुआ हुआ था सामान, तो वो लेने आए थे। तो आपको पता है फिर जब ऐसी जगहों पे आ जाएं तो फिर
साथ साथ और चीज़ों पर भी नज़र पड़ी जाती है। बहरहाल यहाँ हमें साइज़ मिला नहीं था तो फिर हम आगे बढ़ गए, हमने छोड़ दिया। थोड़ा सा देखा सही, पसंद भी आई, लेकिन साइज़ का इशू था तो हस्बैंड ने कहा कि छोड़ो, अभी ईद आने वाली है, फिर तुम लोग बोलोगे जब भी शॉपिंग करवाओ। यहाँ पे ये पूरा छुप छुप के वीडियो बनाई थी, वीडियो अलाउ नहीं थी। मज़े की बात देखें कि बिल्कुल लास्ट में जब मैं पेमेंट कर रहे थे ना, हम लोग जो भी सामान लिया था, तो जब हमने पूछा कि वीडियो अलाउ है व्लॉगिंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वीडियो नहीं अलाउ, बिल्कुल नहीं अलाउ। मैं थोड़ी बहुत बना चुकी थी, उसके बाद मैंने कहा पूछ लूँगी तो ज़रा अच्छे तरीके से बना लेंगे। जितनी बना सकी वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर देख लेते तो शायद ना ही बनाने देते, लेकिन जो बन गई थी बन गई थी। और जब परमिशन ले ली, जब उन्होंने कहा कि नहीं बनानी भाई, परमिशन है ही नहीं, तो फिर खामोशी से कैमरा ऑफ़ कर दिया कि इससे पहले कि कोई आके बातें सुना दे, मुनासिब नहीं लगता। हस्बैंड से डांट पड़ गई कि बंद कर दो, अब तो बोल दिया उन्होंने कि नहीं बनानी है। यहाँ पे सारे मसाले के डब्बे, आप लोग खाने के डब्बे देख देख कर खुश हों और आइडिया लें कि आज खाने में क्या बनना चाहिए। मैंने तो खैर यहाँ से नहीं लिया, जो लेना था बस वही लिया। यहाँ पे ये नीचे बच्चों के ड्रेसेस वगैरह थे, नीचे भी हम लोग नहीं गए। हस्बैंड ने कहा कि नहीं अभी नहीं जाना है, अभी आगे रमज़ान आएंगे, ये रमज़ान की तैयारी है यहाँ पर। यहाँ से मैं थोड़ी बनाना चाह रही थी क्योंकि रमज़ान का सब सामान यहाँ पे इन्होंने सेटिंग की हुई थी, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आए काउंटर पर तो लेडीज़ थी। मैंने उनसे कहा कि परमिशन है, उन्होंने फिर आगे बताया तो वो आगे से उन्होंने आकर कहा नहीं जी परमिशन नहीं है। अब घर आए, घर आकर मैंने असल में बेक पार्लर का ही आटा लेना था क्योंकि पहले ले आए थे आटा, वो बिल्कुल सही नहीं था, उसकी रोटी जो है पकने में भी सही नहीं थी। कपड़े धोने थे, सर्फ़ लिया तो सर्फ एक्सेल वहाँ पे लेडीज़ खड़ी थी, उन्होंने ये दे दिया पाउच कि इसको यूज़ करके देखें, इसमें 12 कपड़े जो हैं आप धो सकते हैं 60 ml में, ये उतना ही पैकेट था। ये यहाँ पे सारा मेरा किचन फैला हुआ है, आटा गूंद रही थी, सालन बना रही थी, बर्तन फैले हुए थे, सब कुछ फैला हुआ था। साथ बाहर का भी किया, बाहर से सौदा वगैरह लाए, ये बर्तन थे सब, तो जल्दी जल्दी बस काम को ख़त्म किया, साथ आटा गूंदा। बस यहाँ पे मैं अपना व्लॉग तमाम करती हूँ ताकि मैं अपना किचन को साफ़ कर लूँ। तो थैंक यू सो